दुनिया की इंसानों की आज की कल की मेरे कल की किताबें करती है हमें खुशियों की गमों की फूलों की बमों की जीत की हार की प्यार की मार की किताबें करती है हमें। सीएफए का बुक स्टॉल एक्चुअली बस सीएफए ने जनरल बुक्स जो है कई सारी जगह से कलेक्ट की हैं, जिसमें मेजरली सेक्टर वाइज बुक्स हैं। सेक्टर वाइज बुक में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है और वो लोगों के हित के हिसाब से किस तरह से उपयोगी है या नहीं है, तो उसके फैक्ट के बारे में ज़्यादातर बुक्स हमारे पास हैं। उसके अलावा हमारे पास डेवलपमेंट फाइनेंस के ऊपर कुछ बुक्स हैं, जो डेवलपमेंट फाइनेंस जिसमें लार्ज इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ल्ड बैंक और एडीबी क्या कर रहे हैं देश में, किस तरह का इन्वेस्टमेंट उनका आ रहा है, किस तरह का पॉलिसीज़ वो चेंजेस ला रहे हैं, लोगों के जो पॉलिसीज़ है उसको उसमें चेंजेस ला रहे हैं और उसको लार्जली कॉरपोरेट रन पॉलिसीज किस तरह से बना रहे हैं, उसके बारे में कुछ एनालिटिकल बुक्स हैं जो लोगों के लिए काम आएगी। वेल आई एम वेरी ग्लैड कमिंग हियर टू सी दैट देयर आर लॉट्स ऑफ यंग पीपल एंड इट्स वेरी क्राउडेड। आई एम बिट सरप्राइज्ड बिकॉज आई थॉट इन दिस डे ऑफ सोशल मीडिया एंड टेलीविजन दैट यंग पीपल डोंट रीड दैट मच, सो सीइंग लॉट्स ऑफ यंग पीपल एंड नॉट जस्ट इन स्टॉल्स विच आर वेरी स्पेसिफिक लाइक physics stall or on medicine or like that, but some of the other stalls also quite filled up, or sub languages mein Hindi, English, kafi bhara hua hai, toh mujhe achha laga, I said good, this is something at least book jo habit jo hai is not dying, bahut bahut kharab vyavastha hai yahan ki, is baar hum log pehle aate the yahan logon se milte the baat cheet karte the seminar karte the bahar baith ke kahin baithne ki jagah nahi hai khade hone ki jagah nahi hai इतनी अफरा तफरी यहाँ मतलब मची हुई है और मुझे ये लग रहा कि ये सरकार, मैं पहले भी कहीं कहीं कहाँ मैंने कहा है, ये सरकार हिंदी को पीछे ढकेल रही है, हिंदी साहित्य को पीछे ढकेल रही है, धर्म को जबरदस्ती स्थापित किया जा रहा है जबकि साहित्य अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। धर्म में साहित्य हो सकता है, साहित्य में धर्म हो सकता है, पर यहाँ जबरदस्ती धर्म को स्थापित किया जा रहा है। 36 किताबें प्रकाशित हैं अब तक मलयालम, हिंदी और अंग्रेज़ी में। कविता का शीर्षक है पोस्टकार्ड। अब सबको पता है पोस्टकार्ड चलन के बाहर है। माँ की तबीयत खराब है, खपरेल टूट गए हैं, मेरी पेंशन रुक गई है, इस बार भी फसल खराब हो गई, बेटा हो सके तो एक बार गांव आना। आपको पीछे एक स्टॉल है स्वामी अड़गड़ानंद करके है, वहाँ पे 5 लोग खड़े होकर जो है प्रार्थना करते हैं तेज तेज आवाज़ में, तो आप समझिए कि ये पुस्तक मेरा जो है ये भक्तों को खींचने का और भक्त बनाने का एक स्थल बनता जा रहा है, पाठकों और लेखकों का जो है यहाँ पे बहुत काम रहने गया है। नहीं तो ये एक तरह से ये जैसे NBT का आयोजन है, सरकारी आयोजन इसको हम मान रहे हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं जब अपनी उपलब्धि गिनाते हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने गिनाया कि इतने सैटेलाइट गए या हमने वो कर दिया, ऐसे में जो आपने बात कही कि धर्म का जिस तरह से प्रचार, पुस्तक मेले हो रहे, विज्ञान से ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ दिख रहे, हिंदी वाले स्टॉल में हम देख रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कोई एजेंडा है सरकार का, आप ऐसा मानते हैं? मतलब प्रगति मैदान देखिए 2 हाल बचा हुआ है कुल मिला के, इसीलिए ये मेला लगा है। अगर ये हाल भी खुल गया होता, क्रेन यहाँ खड़ा होता तो बंद हो गया होता। 20 साल लग रहा है अच्छी बात है, मुझे लगता है 1-2 साल में ये प्रगति मैदान का पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, इसका पूरा शक्ल बदलेगा और जो नए नए क्रेन खड़े हैं उधर सारे ढहा दिए गए हैं, तो इसका भी जब रेनोवेशन होगा तो उसके बाद पुस्तक मेले होने के लायक। इस बार ही रेट बढ़ गया है सारे स्टॉल्स का, तो अब रेट इतना बढ़ा देंगे कि प्रकाशक बेचारा कहाँ से आएगा यहाँ पर, है ना? तो या तो बड़े बड़े मोनोपोली अंग्रेजी के प्रकाशकों का होगा वो आएंगे, हिंदी वाले मर जाएंगे, भारतीय भाषा वाले मर जाएंगे। सरकार के विरोध में जाने का अंजाम तो हर कोई जानता ही है, वैसे तुम समझदार हो मैं जानता हूँ। उस अधिकारी ने पहली बार नागों के लिए तुम का इस्तेमाल किया तो नागों के शरीर में झुड़झुड़ी सी दौड़ गई। शुक्रिया। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें, आज की कल की एक एक पल की किताबें करती है बातें।
तुम्हारे पास रहना चाहती है, ओ किताबें कुछ कहना चाहती है, ओ तुम्हारे पास रहना चाहती है।